जब भी देश में बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा उठता है, बीजेपी एक खास समुदाय को निशाना बनाकर बढ़ती जनसंख्या के लिए उस समुदाय को ही जिम्मेदार बता देती है। और विश्व जनसंख्या दिवस पर भी सीएम योगी ने ऐसा ही कुछ कह डाला, जिस पर अब सियासत हो रही है। और अब इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान भी सामने आ गया है, जो इस बात के संकेत दे रहा है कि नकवी अब बीजेपी से खुश नहीं है। क्या बोले मुख्तार अब्बास नकवी, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से टिकट दे सकती है, लेकिन पार्टी ने ऐसा भी नहीं किया, जिसके बाद कार्यकाल पूरा होने पर नकवी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब मोदी मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। और नकवी को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नकवी भी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं और इस बात के संकेत मिले उनके हाल ही में आए एक बयान से। दरअसल नकवी ने सीएम योगी के बयान की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं। कल तक बीजेपी के खामियों पर पर्दा डालने वाले नकवी आज उनकी खामियां बता रहे हैं। यानी साफ है, मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद नकवी के सुर बदल गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि नकवी बीजेपी के उन्हें दरकिनार करने से आहत हुए हैं। दरअसल सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर नसीहत देते हुए कहा था कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से नियंत्रित कर दिया जाए। उनके इसी बयान पर बहस छिड़ गई है और इसी बहस के बीच नकवी का बयान आया है और उन्होंने जनसंख्या बढ़ने के लिए एक जाति को टारगेट करने पर ऐतराज जताया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।